हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौविक में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा बिहार विधानसभा के अंदर वेरियस पोस्ट निकला हुआ है, वेरियस पोस्ट के रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसके डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना होगा, सब कुछ डिटेल्स में। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद ही आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। बिहार विधानसभा के सचिवालय के जूनियर क्लर्क एंड अदर पोस्ट के रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसके लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन शुरू होने वाला है 9/10/2018 जो होने वाला था, वो फिर से एक बार डेट, इसको यहाँ पे लास्ट डेट दिया हुआ है 22/2019 तक यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए 400 रुपीज़ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा, एंड SC/ST के लिए 100 रुपीज़, फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। वैकेंसी जो है यहाँ पे 101 वैकेंसी निकला हुआ है, जिसके अंदर आपको पोस्ट जो है जूनियर क्लर्क के लिए टोटल वैकेंसी 17 18 to 37 ईयर्स तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। 12th पास होना चाहिए, उसके बाद आप लोग इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। जिसके बाद दोस्तों, असिस्टेंट के पोस्ट निकला हुआ है, 54 टोटल पोस्ट है। एज लिमिट जो है यहाँ पे 21 to 37 ईयर्स तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके साथ साथ असिस्टेंट रिसर्च एंड रेफरेंस के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, 8 पोस्ट है, 21 to 37 ईयर्स तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, लाइब्रेरी असिस्टेंट, उर्दू ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर एंड असिस्टेंट केयर टेकर के लिए भी आपको यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है, जिसके एज लिमिट इसको दिया हुआ है 21 से 37 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप बैचलर डिग्री आपके पास है, बैचलर डिग्री उर्दू सब्जेक्ट एंड हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास है, तो आप लोग इजीली ये सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए मैं नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, मैं उसको भी लिंक नीचे दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी डाउट या कॉन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।